आप सभी पेज नंबर 56 ओपन करें और जहां से मैं रीडिंग करती हूँ आप लोग भी वहीं से मेरे साथ साथ रीडिंग करें। रीडिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो इस चैप्टर में डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके मैंने बोर्ड के ऊपर भी लिख दिए हैं। आप लोगों को कुछ समझ ना आए तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। चले हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सीजन क्या होते हैं? मौसम। जो साल के अंदर हमारे चार मौसम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सीजन। देर आर फोर सीजन्स इन अ ईयर, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। वो कहते हैं कि एक साल के अंदर चार मौसम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्प्रिंग यानी बहार का मौसम, समर होता है गर्मियों का मौसम, ऑटम कौन सा होता है? खजां का मौसम, एंड विंटर सर्दियों का मौसम। द वेदर रिमेन्स मोर और लेस द सेम ड्यूरिंग वन सीजन। वो कहते हैं कि मौसम जो होता है एक दिन का वो कमो बेशतर एक सीजन में एक जैसा ही रहता है। स्प्रिंग इज द सीजन आफ्टर विंटर एंड बिफोर समर। वो कहते हैं कि बहार का मौसम सर्दियों के बाद और गर्मियों से पहले आता है, यानी सर्दियों जब खत्म हो जाती हैं और गर्मियां शुरू होने वाली होती हैं उससे पहले कौन सा मौसम आता है? बहार का मौसम आता है। इट इज ब्यूटिफुल टाइम ऑफ द ईयर। वो कहते हैं कि ये जो होता है साल का सबसे खूबसूरत टाइम होता है। क्यों होता है? When flowers bloom and new leaves appear on plants. इसमें क्या होता है? New flowers क्या होते हैं? नए फूल खिलते हैं। Bloom का क्या मतलब होता है? खिलना, कि नए जो हैं वो फूल खिल जाते हैं और क्या होता है? नए पत्ते जो होते हैं वो पौधों के ऊपर अपीयर हो जाते हैं, यानी नमूदार हो जाते हैं। नए पौधे निकल आते हैं, नए पत्ते निकल आते हैं। द वेदर इज कूल एंड प्लेजेंट। वेदर क्या होता है? ठंडा होता है। और प्लेजेंट का क्या मतलब होता है? खुशगवार। कूल मतलब ठंडा, प्लेजेंट मीन्स खुशगवार। द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द ईयर इज कॉल्ड समर। वो कहते हैं साल के गर्म तरीन मौसम को क्या कहते हैं? समर, यानी गर्मियों का मौसम कहते हैं। सम प्लेसेस गेट वेरी हॉट एंड ड्राई। वो कहते हैं कि कुछ जगह जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं और ड्राई का क्या मतलब होता है? खुश्क हो जाती हैं। इन सम प्लेसेस इट रेन्स एंड कूल्स डाउन अ लिटल। कहते हैं और कुछ जगहों पर बारिश हो जाती है जिसकी वजह से वो एरिया जो है वो ठंडा हो जाता है। यू मे एंजॉय मैंगोज एंड आउटडोर स्पोर्ट्स ड्यूरिंग समर। वो कहते हैं कि आप गर्मियों में यानी गर्मियों के मौसम में हम क्या एंजॉय कर सकते हैं? मैंगोज यानी आम एंजॉय कर सकते हैं, एंड आउटडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर का क्या मतलब होता है? बैलूनी स्पोर्ट्स यानी जो हम बाहर जाकर खेल खेल सकते हैं वो हम गर्मियों के मौसम में खेलते हैं। People living near the sea go to the beach. और वो कहते हैं कि जो लोग समुद्र के पास रहते हैं वो बीच पे चले जाते हैं। बीच क्या होता है? साहिल। यानी जो लोग समुद्र के पास रहते हैं, क्या समुद्र उनके घर से नजदीक होता है, वो गर्मियों को एंजॉय करने के लिए कहाँ चले जाते हैं? साहिल के किनारे, समुद्र के किनारे चले जाते हैं। ये हमारे दो सीजन कम्प्लीट हो गए, अब हम नेक्स्ट सीजन पढ़ते हैं। द सीजन बिटवीन समर एंड विंटर इज कॉल्ड ऑटम। वो कहते हैं वो वाला सीजन जो गर्मियों और सर्दियों के बीच में आता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑटम। ऑटम क्या होता है? खजां का मौसम। क्या होता है इस मौसम में? पत्ते जो होते हैं वो उनका कलर चेंज हो जाता है और वो क्या कहते हैं? झड़ जाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम। सम फ्रूट्स एंड क्रॉप्स रिपन इन ऑटम। वो कहते हैं कि कुछ फ्रूट्स होते हैं यानी कुछ फल जो होते हैं और क्रॉप्स क्या होते हैं? राइपन इन ऑटम। वो क्या कहते हैं? ऑटम यानी खजां के अंदर पक जाते हैं और वो तैयार हो जाती हैं। लीव्स चेंज कलर एंड फॉल। वो कहते हैं कि लीव्स जो होते हैं यानी पत्ते जो होते हैं वो अपना रंग बदल देते हैं, अपना रंग तब्दील कर देते हैं और गिर जाते हैं। आपने देखा है कि जब सर्दियाँ शुरू होनी होती हैं उससे पहले जो ऑटम का सीजन आता है उसमें क्या होता है? पत्तों का कलर ग्रीन से ऑरेंज या ब्राउन या येलो कलर का हो जाता है और वो क्या होते हैं? खुश्क होकर झड़कर ज़मीन के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अब जो है वो खजां का मौसम चल रहा है। द वेदर बिगेंस टू कूल एंड विंडी। मौसम जो होता है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है और क्या हो जाता है? विंडी का क्या मतलब है? हवादार, यानी मौसम जो है वो हवादार होना शुरू हो जाता है, हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। आफ्टर ऑटम कम्स विंटर। वो कहते हैं कि ऑटम के बाद कौन सा मौसम आता है? विंटर का मौसम आता है, यानी खजां के बाद सर्दियों का मौसम आता है।
द कोल्डेस्ट टाइम ऑफ द ईयर इज कॉल्ड विंटर. वो कहते हैं कि साल के सबसे सर्द मौसम को हम क्या कहते हैं, विंटर यानी सर्दियों का मौसम कहते हैं. द डेज आर शॉर्ट एंड द वेदर इज चिली. वो कहते हैं कि इस मौसम में क्या होते हैं, दिन जो है वो छोटे हो जाते हैं. आप लोग देख रहे हैं आजकल दिन जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और मौसम जो है वो क्या है, चिली मीन्स ठंडा, यानी मौसम जो है वो ठंडा हो जाता है. द विंड इज कोल्ड एंड इन सम प्लेसेस देयर इज स्नो फॉल. वो कहते हैं कि हवा जो होती है वो भी ठंडी हो जाती है और कुछ एरियाज में जो है वो क्या होता है, स्नो फॉल भी होती है यानी बर्फबारी भी होती है. यू कैन एंजॉय ड्राई फ्रूट्स एंड इनडोर गेम्स इन विंटर. वो कहते हैं कि आप इस मौसम में ड्राई फ्रूट्स क्या होता है, खुश मेवा जात, यानी जैसे कि हमारे पीनट्स हैं, वॉलनट्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ड्राई फ्रूट. वो कहते हैं कि सर्दियों के मौसम में हम अपने ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो इंजॉय करते हैं और अपने जो इनडोर गेम्स होते हैं यानी अंदरूनी खेल जो होते हैं जो हम बाहर जाने की बजाय अपने घरों में अपने अंदर रहकर खेल सकते हैं उन गेम्स को भी इंजॉय कर सकते हैं. टू क्लास, ये आज की हमारी रीडिंग थी. अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप दोबारा इस वीडियो को देख लें और मुश्किल वर्ड्स भी मैंने आपके लिख दिए हैं, जो आपको नहीं पता चलता आप वहाँ से देख सकते हैं. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव करेंगे. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.